नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। तीन देशों के दौरे के बाद देर रात स्वदेश लौटे पीएम नरेंद्र मोदी। सऊदी अरब ने मोदी को दिया सर्वोच्च नागरिक सम्मान। सीरिया सरकार ने गिरफ्तार चार भारतीयों को किया रिहा। अवैध रूप से रहने के आरोप में हुए थे गिरफ्तार। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने किया भारतीयों की रिहाई का स्वागत। सुरक्षित है यमन से अगवा किए गए फादर टॉम। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा रिहाई की कोशिशें जारी। पाकिस्तान में बेमौसम बारिश का कहर, 60 लोगों की मौत। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बाल्टिस्तान इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित। पाकिस्तानी गृह मंत्री चौधरी निसार खान बोले भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साथ ईरान की मिलीभगत नहीं। ईरान को बताया पाक के खिलाफ नकारात्मक गतिविधियों में शामिल। नेपाल के सत्ताधारी गठबंधन के दल ने हिंदू राष्ट्र की उठाई मांग। संसद में संशोधन प्रस्ताव पेश करने का लिया निर्णय। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने दी उग्र आंदोलन छेड़ने की चेतावनी। अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ खबरें हैं लगातार।